हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद उसे जिंदा जलाने की घटना का गम अभी देश के दिल से कम नहीं हुआ था कि यूपी के उन्नाव से और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां कुछ हैवानों ने गैंगरेप पीड़िता पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला डाला। पीड़िता को नाजुक हालत में लखनऊ मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। दिन दहाड़े हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ यूपी में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया, बल्कि एनकाउंटर के लिए मशहूर यूपी पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जलाने की इस घटना ने न सिर्फ देश को एक और बड़ा जबरदस्त झटका दिया, बल्कि सियासी मंचों से यूपी में कानून के राज के ढोल पीटने वाली योगी सरकार के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली ये घटना उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां दबंग हैवानों द्वारा गैंगरेप पीड़िता को उस वक्त जिंदा आग के हवाले कर दिया गया जब पीड़िता पैदल रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीएम और एसएसपी ने खुद अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। वहीं डॉक्टरों ने पीड़िता की हालत नाजुक देखते हुए उसे यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए रेफर किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तीन दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस अधिकारी बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरी घटना का जल्द खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। फिर बाकी बाद हम जो हम तो हिया का यहां बिहार थाने का है दरोगा जी लिख के भेज दें। हां दरोगा जी यहां लिख के कॉल लेकिन दुनिया धन का अंतर होगा वही रायबरेली। ठीक फिर क्या चल रहा था उसके बाद के मैं चल तो रहा रायबरेली में है अभी कितना गांव है भाई बीच में यहां बंद हो गया रहा हां उसके बाद मैं पांच दिन कभी सुने हैं क्या है हां तो आज निकला जा रही है रायबरेली क्या पहले पता चला आपको क्या पता चला बेटी के साथ क्या हुआ है बेटी के साथ यही पता चला मतलब जला दी गई है फोन चाचा एक साल का मामला हो गया है एक साल से लेके अब तक आरोपी पक्ष जो है उसने कितनी बार आपको धमकी दी अरे कम से कम दसियों बार धमकी दी और कोई भी मामला घर के साथ हुआ कोई घटना करने की कोशिश तो नहीं की नहीं घटना करे बड़े मार पीट का यहाँ रास्ता देते हैं बिहार की घटना है। आज सुबह सूचना मिली कि उन्होंने यूपी 100 में सूचना मिली है कि उनको जलाने की कोशिश की गई उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं उसमें तीन हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और अभी उनको यहां से रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफर कर दिया गया है और हमने टीमें बना दी हैं जो इन्होंने टोटल पाँच लोगों के नाम बताए हैं और उसमें तीन हमने पकड़ लिए हैं और दो को पकड़ने के लिए चार टीमें बना दी गई हैं और वो तो जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा। क्या ये पीड़िता थी इन्होंने मार्च में एक मुकदमा लिखाया था और उसमें जो एक्यूज दो एक्यूज थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी उसमें एक एक्यूज था उसका भी उसको भी राउंड अप किया गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ विशाल सिंह टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।